Good morning, everybody. You are watching the channel Chemical Room. Students, मैं करण सिंह आईआईटी नेट सीएसआईआर नेट AIR40 आपका इस केमिकल रूम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसमें मैंने अभी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे। ये लेक्चर नंबर 4 है मैटर इन अवर सराउंडिंग का, जिसमें आप पढ़ेंगे 3 चीजें। मैं इसमें बताऊंगा लेटेंट हीट, सब्लिमेशन और इवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट क्या है। व्हाट इज द लेटेंट हीट? लेटेंट हीट मींस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर की अगर स्टेट चेंज करनी है तो उसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ उसे हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको उस सॉलिड के लिए कुछ ना कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो सॉलिड इसमें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, राइट। इसी तरह से अगर मान लो लिक्विड स्टेट है और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड को पहले आप उसको हीट करेंगे, तब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। तो लेटेंट हीट की मैं बात करता हूं कि आखिर लेटेंट हीट है क्या। इट मींस, तो हमने कहा कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिसन वंस अगेन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, और ये हीट एनर्जी हम किस में लेंगे, जूल में लेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंज इनटू टेम्परेचर। मीन्स सीधी सीधी बात ये समझिए कि जैसे आपने 1 kg सॉलिड लिया है तो उस 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस 1 kg सॉलिड को जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसी हीट एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आइस एक सॉलिड है, आइस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, आइस से लिक्विड H2O में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 × 10⁵ किलो जूल पर केजी इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है, इतने जूल 3.34 × 10⁵ जूल पर केजी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इसी तरह से समझिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर। लिसन वंस अगेन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सीधा सीधा समझेंगे डायरेक्ट कि 1 kg लिक्विड को अगर मुझे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितने हीट सप्लाई करते हैं दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब्लिमेशन। तो देखें सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में हम कहेंगे कि द प्रोसेस
in which a solid substance directly changes into gaseous state without converting into liquid state is called the sublimation, or vice versa. ये उसका हम opposite कर सकते हैं. Listen once again. हमने कहा कि the process in which a solid substance directly converted into gaseous state without converting into liquid state is called the sublimation. एक example लेकर के आपको समझाते हैं sublimation का. Suppose that, अच्छा sublimation किस किस substance का हो सकता है? For example, जैसे हमने लिया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका सब्लिमेशन हो सकता है. इसके बाद अगर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सुना होगा नाम कैम्फर का, नेफ्थलीन, तो इस तरह से ये बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनका सब्लिमेशन होता है. मींस इन सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं. जब हम बात करते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहां से लिया NH4 अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड हो गया और यहां से हमने इसको हीट दी. हीट एनर्जी सप्लाई किया, डेल्टा पी हीट का सिंबल है. हीट दिया तो ये सॉलिड से तुरंत कन्वर्ट हुआ NH4Cl, गैस में कन्वर्ट हो गया, या हम इसको वेपर कह सकते हैं. तो NH4 अब NH4Cl वेपर, या फिर हम इसको कहें गैस, दोनों एक ही बात है. इसको अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई किया, देखना ध्यान से, सॉरी यहां पर हीट दिया, यहां पर हम करेंगे कूलिंग. कूलिंग करेंगे इसको, कूल करेंगे. तो जब हमने सॉलिड को हीट दी तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया, और गैस को जब हमने कूल किया, वेपर को कूल किया, तो ये वेपर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. बीच में लिक्विड इंटरमीडिएट नहीं है, ये कन्वर्ट हो गया NH4 सॉलिड. तो दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाएंगे, अमोनियम क्लोराइड का जो लिया, दोनों ही प्रोसेस यहां पर भी दोनों ही प्रोसेस क्या है, दे आर द सब्लिमेशन. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, सब्लिमेशन. आई होप दैट कि सब्लिमेशन की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे समझ चुके होंगे. ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं इवेपोरेशन की. इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ में. एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, और इवेपोरेशन की हम बात कर लेते हैं. इवेपोरेशन क्या है? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. लिसन वंस अगेन. द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर विदाउट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. नाउ अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन की. इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ओके, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में तो हम बात करेंगे, सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करेंगे. सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे अफेक्ट करता है? तो यहां हम ये कहेंगे कि जो सरफेस एरिया है, फर्स्ट पॉइंट यहां पर ले लेंगे कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसको हमने शॉर्ट में सपोज दैट एस ए लिख दिया, तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा. चलिए मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आपने देखा होगा
एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी आपके लिए उसी एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आप टू फ्रेंड्स हैं, एक आप और एक आपके फ्रेंड है, और दोनों को चाय के लिए इनवाइट किया गया, टी के लिए इनवाइट किया गया, और आपके फ्रेंड को टी दे दी गई एक प्लेट में और आपको दे दी गई कप में। कंपटीशन लगा है कौन पहली चाय को पिएगा, तो आप अंदाज लगा सकते हैं जो आपका फ्रेंड है जिसे प्लेट में चाय दी गई है वो तो 2 सेकंड में चाय पी जाएगा, और आप कप में तब तक उसको फूंकते रहेंगे। बात समझ आ रही है? आप उसको कप में तब तक चाय फूंकते रहेंगे, फ्रेंड आपका पी जाएगा। रीजन, इसका रीजन यही है कि वहां पर इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है, वहां चाय ठंडी हो गई है। तो इवेपोरेशन, और एक वर्ड और याद रखना कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। अगर कहीं पर भी कूलिंग वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो वहां पर एक वर्ड आप जरूर लिख लेना, ये लाइन याद रख लो, बिल्कुल नोट कर लो कहीं कंप्यूटर के, इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस। कहीं अगर कूलिंग हो रही है तो वहां पर इवेपोरेशन फिनोमेना लग रहा है। ओके, तो यहां हमने देखा कि आपके फ्रेंड ने जो चाय जो दोनों के इनवाइट किया उसने वो जल्दी सिप कर लिया, जल्दी सिप लिया। रीजन कि उस प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा था, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। एक दूसरी बात, सपोज दैट आपने कपड़े सूखने के लिए डाले, और कपड़े सूखने के लिए डाले और आपने क्या किया कि अपने कपड़े फैला के डाल दिए। एक आपके फ्रेंड ने डाले, उसने अपने कपड़े फोल्ड किए ऐसे ही डाल दिए, रस्सी पे डाल दिए, तो बताइए किसके कपड़े जल्दी सूखेंगे, आपके सूखेंगे कि आपके फ्रेंड के सूखेंगे? भाई आपने उसको फैला के डाल दिया है, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ इवेपोरेशन हो गया, और इवेपोरेशन बढ़ गया तो आपका क्लॉथ जल्दी सूख जाएगा। तो यहाँ पर सरफेस एरिया और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। तो इसके बाद सेकेंड हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर। और अब टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो टेम्परेचर में देखेंगे कि सरफेस जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन हम बात करेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मींस जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा एक बात सोचो कि आपने देखा होगा कि हमने कहा कि इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन मींस वही होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसीय स्टेट। जो वाटर है, सी का वाटर की बात करें या किसी पॉन्ड की वाटर की बात करें, रिवर की वाटर की बात करें, ये सभी वाटर आपने देखा होगा इवेपोरेशन जो है गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सनलाइट ज्यादा तेज रहती है, एनर्जी हीट एनर्जी ज्यादा मिलती है सनसे। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका उतना ही ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझते, आप देखा होगा कि एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है जो डेजर्ट कूलर कूल बेटर इन द हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में जो डेजर्ट कूलर या डेजर्ट कूलर है वो बेटर कूलिंग करता है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है इन हॉट ड्राई डे देयर इज अ हाई टेम्परेचर। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होता है और इवेपोरेशन इज कूलिंग प्रोसेस, तो इसलिए वहां पर कूलिंग ज्यादा होता है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड हम बात कर लेते हैं सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड स्पीड में देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहां से रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। ये विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विंड स्पीड में हम देखते हैं कि हवा जो है वो कितनी तेज चल रही है,
विंड स्पीड में हवा कितनी तेज चल रही है, विंड की स्पीड कितनी है। तो सीधी सी बात है कि जब हवा तेज चलेगी, आपने कपड़े मान लो कपड़े क्लॉथ का एग्जाम्पल दे दिया, कपड़े बाहर आपने सूखने डाल दिए और एक ने क्या किया कप बंद कमरे में डाल दिए जहां हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, और एक ने क्या किया बाहर डाल दिए जहां हवा तेज चल रही है। तो बताइए कपड़े किसके पहले सूखे थे? आपने क्या किया बाहर डाल दिया, आपके फ्रेंड ने कमरे में डाल दिया, किसके पहले सूखेंगे बताइए? आपके कपड़े जल्दी सूखे क्योंकि आपने क्या किया बाहर डाला जहां तेज हवा चल रही है। तो विंड स्पीड सीधी सी बात समझ सकते हैं कि विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, राइट। इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट की हम बात कर लें, एक टर्म होता है ह्यूमिडिटी। और जो ह्यूमिडिटी है इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इट मीन सबसे पहले तो हम ये जान लें कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी है क्या, तब तो मैं आगे बात करूंगा। ह्यूमिडिटी मीन्स आप चाहे तो इसको डिफाइन करने लिख लीजिए पेन कॉपी लेकर के। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है कि द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। बस एटमॉस्फेयर में या एयर में हम कह सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर, एयर में वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस होती है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, राइट। तो आप सोचिए कि एयर में वाटर वेपर्स पहले से ही प्रेजेंट हैं तो वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब इवेपोरेशन वहां पर कम होगा, तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन उतना कम होगा। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये फोर फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इस तरह से ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला नेक्स्ट इसका लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। और इसलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।